कांग्रेस भी इस बार चुनाव में हिंदुत्व की राह पर चल पड़ी है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक बार फिर भाजपा पर हमला बोला और कहा राम मंदिर पूरे देश का है, सनातनियों का है, लेकिन भाजपा राम मंदिर को अपना मंदिर बताने में जुटी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ भाजपा को निशाना बनाने से नहीं चूक रहे हैं। कमलनाथ ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा राम मंदिर क्या भाजपा का मंदिर है? जी नहीं, राम मंदिर पूरे देश का मंदिर है, सनातनियों का मंदिर है। आखिर राम मंदिर को अपना मंदिर बताने में क्यों जुटी है भाजपा? इसी के साथ कमलनाथ ने कहा कि मुझे छिंदवाड़ा में कितनी भी घेरने की कोशिश कर ली जाए, लेकिन मेरे मतदाताओं का विश्वास मेरे साथ है। देखिए, ये तो ऐसे ही राम मंदिर की बात कर रहे हैं जैसे ये भारतीय जनता पार्टी का मंदिर हुई। राम मंदिर हमारे देश का मंदिर है, हमारे सनातन धर्म का बहुत बड़ा चिन्ह है, तो ये किसी पार्टी का क्या है राम मंदिर? अब ये जो चाहे वो करें, मतदाता सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।